हेलो एवरीवन, आप लोगों को सिविल प्रोसीजर कोड कैसा लग रहा है? अब आप लोगों को इजी लग रहा है सिविल प्रोसीजर कोड? अगर लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा जरूर आज के इस वीडियो में। हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 55 से 59 तक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, है ना। अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन 60 से। तो सेक्शन 60 को शुरू करें उसके पहले, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से करो। अनअकैडमी पे फॉलो करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, अभी करने से क्या क्या बेनिफिट आपको होगा? आपको लाइव क्लास फ्री मिल जाएगा। हमारा जो लाइव क्लास अनअकैडमी पे चल रहा है ऑन दी सब्जेक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, वो आपको फ्री एक्सेस होगा। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा और वो कोड है लॉ इज लाइफ। स्पेस मत दीजिएगा, लॉ इज लाइफ, स्पेस नहीं देना है लॉ इज लाइफ में। आप अप्लाई कीजिए कोड को, आपको फ्री लाइव क्लास एक्सेस हो जाएगा। या फिर अगर आप अनअकैडमी का जुडिशरी कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी लेते हो ना तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट होगा। तो अभी तो बम्पर ऑफर चल रहा है, अभी बम्पर ऑफर चल रहा है, जाके चेक इट आउट करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में देखो, हर एक पॉइंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जिस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्या बम्पर ऑफर चल रहा है, लाइव क्लास का लिंक क्या है, मेरा प्रोफाइल लिंक क्या है, कैसे आप मेरे तक पहुंचोगे, ये सभी बातें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी तक मुझे आपने टेलीग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो टेलीग्राम पे भी फॉलो करो। क्यों करो? क्योंकि वहाँ पे मैं जितना इम्पॉर्टेंट MCQ होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं, वो मैं अपलोड करते रहता हूँ, जो आपको बेनिफिट होगा, है ना। उसके बाद देखो कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो फॉर जनरल डिस्कशन, तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। पर्सनल क्वारी है, अगर आपको कुछ भी पर्सनली मुझसे पूछना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो, बस दैट्स इट। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो देखिए, आज के सेशन दैट मीन सेक्शन 60 को हम आपको बताएं, उसके पहले आपको फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा पीछे। क्यों? देखो, जब भी बात एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में आएगा तो आपको कौन कौन सा सेक्शन देखना है, सबसे पहले सेक्शन 36 को देखना है। क्यों देखना है सेक्शन 36 को? क्योंकि सेक्शन 36 बताता है एग्जीक्यूशन के बारे में एक एक पॉइंट, जैसे एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, डिक्री एग्जीक्यूट कौन करता है, सिर्फ डिक्री होल्डर ही डिक्री एग्जीक्यूट कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं जो डिग्री एग्जीक्यूट कर सकता है, वो पूरा डिटेल बताएगा आपको सेक्शन 36। देखने में लग रहा है छोटा सेक्शन है, क्योंकि 36 आप देखोगे बेयर एक्ट को खोल के तो 36 कह रहा है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। तो कहता है कि जिस तरीके से डिग्री एग्जीक्यूट होता है अंडर CPC, उसी तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जाओगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको इतनी सारी बातों का पता चलेगा। क्या डिग्री सिर्फ एग्जीक्यूट होता है तो जजमेंट डेटर के खिलाफ ही एग्जीक्यूट होगा, और कोई व्यक्ति के खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, अगर होगा तो वो कौन होंगे। डिग्री एग्जीक्यूट करने के पहले क्या नोटिस देना जरूरी है जजमेंट डेटर को, अगर है तो कब कब है, किन किन परिस्थितियों में है, ये सभी बातों को हमने बारीकी से बताया है सेक्शन 36 में। उसके बाद आप एक चीज और नोट कर लो सेक्शन 38 को भी, क्योंकि सेक्शन 38 बता रहा है आपको कि कौन कौन से कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको जनरल से 38 क्या कहता है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया या जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफरी कोर्ट ही डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो एक लिंक बनता है ना। अब देखो 51 से क्या कनेक्शन है इसका, 51 बताता है कि डिक्री एग्जीक्यूट होगा तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो आप देखोगे तो उसमें पहला मोड है बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके रिस्पेक्ट में डिक्री पास हुआ, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, बाय अटैचमेंट एंड सेल, बाय सेल इवन विदाउट अटैचमेंट, बाय अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर। तो ये मोड्स बताए गए हैं सेक्शन 51 में। उसमें से हम लोग 55 को कवर अप किए, 55 से 59, तो कैसे कनेक्शन बनता है। 55 से 59 क्या कह रहा है कि अगर मान लो डिक्री को एग्जीक्यूट होना है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर तो कैसे होगा, किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा, तो इसके लिए आपको देखना होगा 55 से 59। अब बात करो कि अगर मान लो कि डिक्री को एग्जीक्यूट होना है बाय अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री तो कैसे होगा,
अगर मान लो कि डिक्री एग्जीक्यूट होना है बाय अटैचमेंट एंड सेल, तो भैया हमको ये जानना जरूरी है ना कि जब डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा तो क्या सभी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जा सकता है, बेच दिया सकता है, क्या कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिसका अटैचमेंट नहीं हो सकता है, जिसको बेचा नहीं जा सकता है वाइल एग्जीक्यूटिंग डिक्री, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं ये जाननी जरूरी हैं। तो देखिए सेक्शन 60 कहता है कि आप इन सभी प्रॉपर्टी को ये जो आपको इस पोर्शन में दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका अटैच भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, डायरेक्ट सेल भी हो सकता है विदाउट अटैचमेंट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्री बाय दी डिक्री होल्डर स्पेसिफिकली। तो क्या क्या है देखो स्पीडली देख रहे थे, लैंड है, हाउस, कोई भी अन्य बिल्डिंग, कोई भी वस्तु, मनी, बैंक नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, कोई अन्य सिक्योरिटी, डेट, शेयर इन कॉरपोरेशन, तो ये सभी, और एक चीज आता है ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब कोई अन्य वो चीजें जिसको बेचा जा सकता है चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो भी अटैच होगा और बेचा जाएगा, सेल होगा इन एग्जीक्यूटिंग डिक्री, तो ये सभी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल किया सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। अब किस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है, किसको बेचा नहीं जा सकता है वाले एग्जीक्यूटिंग डिक्री, देखो कहता है नेसेसरी वेयरिंग अपेरल, जो आवश्यक वस्त्र होता है, अंडर गारमेंट्स हो गया, इनर वेयर हो गया, जो भी नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, जो भी नेसेसरी वेयरिंग अपेरल है, जो उचित वस्त्र है, उसको अटैच नहीं किया जा सकता है जजमेंट डेटर का, ना ही बेचा जा सकता है। नेक्स्ट, कुकिंग वेसल्स, मेड बेडिंग्स ऑफ द जजमेंट डेटर, हिज वाइफ और चिल्ड्रन, तो जजमेंट डेटर का जो खाना बनाने का जो वेसल्स, दैट मीन्स की जो क्या कहते हैं उसको, जो वस्तु जिसपे खाना बनाया जाता है, यूटेंसिल्स को भी अटैच नहीं किया सकता है, बर्तन को अटैच नहीं किया जाएगा, खाना बनाने का बर्तन को अटैच नहीं किया जा सकता है, बेड या बेडिंग्स जो जजमेंट डेटर का, जजमेंट डेटर के वाइफ का, उसके बच्चे का अटैच नहीं होगा, सेल नहीं होगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। उसके कहता है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता है जजमेंट डेटर या उसके वाइफ के शरीर से, जिस चीज को अलग नहीं किया जा सकता, जिस ऑर्नामेंट्स को अकॉर्डिंग टू हिज और हर कस्टम, रिचुअल्स, राइट्स, तो फिर उस ऑर्नामेंट्स को भी अटैच और सेल नहीं किया जाएगा, जैसे मंगलसूत्र अटैच नहीं होगा, सेल नहीं होगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हस्बैंड का जो रिंग होता है वो भी अटैच नहीं होता है। उसके बाद उसके चौथा नंबर पर देखिए क्या कहता है, टूल्स ऑफ आर्टिसंस, कैटल्स, सीड ग्रेन, इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंडरी। अगर मान लो जजमेंट डेटर आर्टिसंस है, कलाकार है, तो फिर उसका जो टूल्स है अटैच नहीं होगा। अगर मान लो जजमेंट डेटर एग्रीकल्चरिस्ट है, कृषक है, किसान है, तो फिर उसका कैटल को अटैच नहीं किया सकता है, भेड़ बकरी, जो गाय जो भी है, अटैच नहीं होता है, किसान का ये सभी चीज़ें अटैच नहीं होता है। अगर मान लो किसान जजमेंट डेटर है, तो जजमेंट डेटर का मतलब कि जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है, बस इतना ही समझ लो अभी, है ना। जो सीड ग्रेन है उसको भी अटैच नहीं किया सकता अगर जजमेंट डेटर किसान है। जो भी खेती बाड़ी के लिए जो भी इम्प्लीमेंट्स आवश्यक होते हैं उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। घर, बिल्डिंग, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कृषक है, किसान है, कोई आर्टिसंस है, लेबरर है, उसका घर, उसके बिल्डिंग्स को भी अटैच नहीं किया जा सकता है वेल एग्जीक्यूटिंग डिक्री। बुक्स और अकाउंट को भी अटैच नहीं, खाता खेसरा को भी अटैच नहीं किया जा सकता है। मेयर राइट टू सू, आपका जो राइट है किसी पे सूट इंस्टीट्यूट करने का, उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। पर्सनल सर्विस का राइट को भी अटैच नहीं किया सकता है। स्टिपेंड्स जो मिल रहा है उसको भी अटैच नहीं किया सकता है। जो भत्ता मिलता है लेबरर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट्स को, सर्वेंट्स को, उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। राइट टू मेंटेनेंस को अटैच
नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पास हो गया है और उसका सैलरी को अटैच करने का बात आएगा, तो याद रखिएगा पहला 1000 और उसके बाद उस सैलरी का 2/3 अटैच नहीं होगा। और उसके बाद अगर मान लो डिक्री पास हुआ है मेंटेनेंस के केस में, तो फिर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है मेंटेनेंस केस में, उसका सैलरी 1/3 को छोड़ के ही अटैच होगा, 1/3 सैलरी अटैच नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी बातों को याद रखिएगा कि किस प्रॉपर्टी को अटैच और सेल किया। अटैच का मतलब क्या होता है, जो आप मूलतः अगर बात करें तो कुर्की जब्ती जिसको बोलते हैं, जब्त कर लेना, कोर्ट अपने कस्टडी में जिस चीज़ को ले लेती है और उसके बाद उसको बेच भी देती है अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ जजमेंट डेटर के द्वारा। तो किस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, किस प्रॉपर्टी को जजमेंट डेटर का या उसके परिवार के लोगों का अटैच नहीं होगा, ये सभी बातों को याद रखिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं, बहुत इजी है उसके बाद का सेक्शन सब। सेक्शन 61 क्या कहता है, पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसान ने कुछ उपजाया, जैसे धान हो गया, धान चावल गेहूं किसान के द्वारा कुछ भी उपजाया गया, उसमें रियायत मिलता है, उसमें छूट मिलता है। अगर मान लो किसान ने, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। मान लो किसान ने 100 केजी वीट को उपजाया, 100 केजी का उसने प्रोडक्शन किया किसान, तो और अगर किसान के खिलाफ डिक्री पास हो गया है और किसान डिक्री के कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, तो डिक्री होल्डर तो एग्जीक्यूट कराएगा ही डिक्री को अगेंस्ट वो किसान के, और किसान के पास उसका बस एक ही संपत्ति है, वो है 100 केजी गेहूं जो उसने उगाया था, तो इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जब्त नहीं हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोड्यूस जो है वो जब्त नहीं होगा, क्योंकि रियायत मिला है सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग पार्शियल एग्जम्पशन का, आधा कुछ भी पोर्शन, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 70% हो, कुछ भी, जितना भी परसेंटेज हो, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अटैचमेंट। और ये परसेंटेज डिटरमाइन करता है अलग अलग राज्य के राज्य सरकार, तो याद रहेगा सेक्शन 61। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 62 का। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 62। सेक्शन 62 क्या कह रहा है, यहां पे एक सीजर हो रहा है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। मान लो कि डिक्री पास हुआ, आपको पता है कि डिक्री जो एग्जीक्यूट हो सकता है, देखो एक और मोड के बारे में पूरा डिटेल बता दिया सेक्शन 62 कि डिक्री एग्जीक्यूट होता है ना बाय सीजर, जब्त कर लेना है, तो सीज जो होता है प्रॉपर्टी, याद रखिएगा मूवेबल प्रॉपर्टी जब्त होता है। सीज जब भी शब्द आएगा यूज होगा, जब भी सीजर शब्द यूज होगा, याद रख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी मूवेबल है, और जहां पे अटैचमेंट शब्द यूज होगा वहां याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है। तो अब मान लो कि जजमेंट डेटर का मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री, तो उसके बारे में बता रहा है 62 कि कैसे एग्जीक्यूट करेगा उस डिक्री को और कैसे उस जजमेंट डेटर के मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। पहला नंबर सबसेक्शन को देखोगे तो कहता है कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है ऑफिसर डिक्री को, वो जजमेंट डेटर के घर इंटर नहीं कर सकता, ड्वेलिंग हाउस को इंटर नहीं कर सकता जजमेंट डेटर का, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज फॉर एग्जीक्यूटिंग डिक्री बाय सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। क्लियर। दूसरा नंबर सबसेक्शन देखिए क्या कहता है, दूसरा नंबर सबसेक्शन कह रहा है कि अगर मान लो जो ड्वेलिंग हाउस है वो जजमेंट डेटर के एक्चुअल पजेशन में है, मतलब कि उस ड्वेलिंग हाउस में जजमेंट डेटर ही रहता है, और अगर जजमेंट डेटर पर्सन जो डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है, जो ऑफिसर डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको अगर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेस नहीं दे रहा है, आने का अनुमति नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे वो ऑफिसर या पर्सन जो डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है वो जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी को सीज करेगा,
प्रॉपर्टी या मूवेबल है, है ना। तो कहता है कि इस सिचुएशन में पर्सन एग्जीक्यूटिंग डिग्री और ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग डिग्री वो जजमेंट डेटर का आउटर डोर को तोड़ देगा, तोड़ के घर में घुसेगा, तोड़ के घर में घुस जाएगा। लेकिन कब तोड़ के घुसेगा आउटर डोर को? जब बाधा उत्पन्न कर रहा है जजमेंट डेटर, अंदर आने में रुकावट पैदा कर रहा है तब। लेकिन अगर जजमेंट डेटर उसको कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है पर्सन एग्जीक्यूटिंग डिग्री, तो फिर इस सिचुएशन में घर का आउटर डोर नहीं तोड़ा जाएगा। इज इट क्लियर? उसके दूसरा पॉइंट देखिए क्या है इसमें सबसेक्शन टू में, कि अब मानो कि एंट्री तो हो गया घर में, अब यहां कहता है कि कोई भी पार्टिकुलर जो अंदर का जो रूम है, किसी भी रूम में अगर लगता है ऑफिसर या पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री उसको, कि कोई रूम है, उस रूम में वो मूवेबल पाया जा सकता है, संभावना है कि जजमेंट डेटर उस प्रॉपर्टी को, उस मूवेबल को उसी रूम में छुपाया है। तो यहां पे वो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी वेटिंग फॉर फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द जजमेंट डेटर, वो डायरेक्ट तोड़ देगा वो इनर रूम का दरवाजा, डोर को, और घुस के अगर वो प्रॉपर्टी मिला तो उसको जब्त कर लेगा, दैट मीन्स सीज्ड कर लेगा, सीजर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। इज इट क्लियर? और तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि अगर मान लो जजमेंट डेटर उस ड्वेलिंग हाउस में रहता है जो ड्वेलिंग हाउस उस वुमेन का है जो अकॉर्डिंग टू कस्टम यूजेज या फिर कह लो कि उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो पब्लिक में अपेयर नहीं हो सकती है, वो जजमेंट डेटर नहीं है वो वुमेन, लेकिन जजमेंट डेटर जिसके घर में रह रहा है वो घर उस महिला का है जो पर्दा नशीन है, जो पब्लिक में जनरली अपेयर नहीं होती है, तो कैसे सीज होगा प्रॉपर्टी, डिग्री एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो पहले ऑफिसर या पर्सन जो डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है वो उस महिला को पर्याप्त मौका देगा कि वो अपने आप को अलग कर ले, हट जाए, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा डिग्री और प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया सेक्शन 62। फिर आता है 63 कहता है प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ, देखिए क्या कहता है, प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सेवरल कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दे क्या, एक सेकेंड, देखिए क्या कहता है, प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सेवरल कोर्ट, सेवरल कोर्ट मतलब प्रॉपर्टी अटैच हुआ, देखिए समझिएगा बात को, ए जजमेंट डेटर है, इतना तोड़ तोड़ के कोई नहीं समझाता है, 63 का बात कर रहे हैं, सेक्शन 63, ए जजमेंट डेटर है, और इसका मान लो एक प्रॉपर्टी है, ये फॉर एग्जांपल ये लैंड इसका प्रॉपर्टी है, और इसके खिलाफ देखो ये सभी कोर्ट हैं, ये सभी कोर्ट हैं, ये सभी कोर्ट हैं, कोर्ट फर्स्ट, कोर्ट सेकंड, कोर्ट थर्ड, कोर्ट फोर, ये चार कोर्ट हैं, और ये चारों कोर्ट ने डिग्री पास किया है जजमेंट डेटर के खिलाफ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि अलग अलग कोर्ट ने डिग्री पास किया हो जजमेंट डेटर के खिलाफ? हो सकता है अलग अलग मैटर पे, एक ही मैटर पे जरूरी थोड़ी ना है, अलग अलग मैटर पे अलग अलग सूट इंस्टीट्यूट हुआ और डिग्री पास हुआ, तो मतलब कि पार्टी भी अलग अलग है, मतलब डिग्री होल्डर भी अलग अलग है, डिग्री होल्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे डिग्री चार कोर्ट ने चारों डिग्री होल्डर के फेवर में डिग्री पास कर दिया, लेकिन जजमेंट डेटर आपका एक ही है, कॉमन है, और जजमेंट डेटर के पास भी प्रॉपर्टी एक ही है, कॉमन है, जो है उसका जमीन, लैंड। अब सवाल उठता है कि वो चारों डिग्री होल्डर के, किसी भी डिग्री होल्डर का जो डिग्री था उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो चारों का चारों मूव करेगा ना कि भैया हमको अपना जो डिग्री का फ्रूट है वो मिलना चाहिए, तो चारों का चारों फिर से क्या किया, अपने फेवर में जो डिग्री पास होता है इनके फेवर में, वो चारों अप्लाई किया डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, ये चारों कोर्ट में डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल हुआ चारों के द्वारा, जजमेंट डेटर चारों का कॉमन है और इसके पास एक ही लैंड है, जो है एक ही संपत्ति जो लैंड है। अब बताओ कि अगर अटैच होगा तो ये चारों का चारों एग्जीक्यूट करेगा डिग्री, और तो कैसे अटैचमेंट होगा इस लैंड का,
तो कौन सा कोर्ट होगा जो तय करेगा कि एक डिक्री को एग्जीक्यूट करना है, कि चारों का चारों एक साथ, सबका अलग अलग एग्जीक्यूशन होगा, इसका अपने इस कोर्ट का अपना अलग एग्जीक्यूशन होगा, इसका अपना अलग एग्जीक्यूशन होगा, क्या नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिक्री एग्जीक्यूट किस कोर्ट के द्वारा होगा और इस लैंड को चाहे अटैच करे, अटैच करना है तो अटैच करे, उसके बाद डिलीवरी करना है किसी को तो डिलीवरी कर दे, मतलब कि जो भी निर्णय लिया जाएगा इस संपत्ति के रिस्पेक्ट में, क्या चारों कोर्ट मिल के लेगा क्या, क्या चारों कोर्ट अलग अलग लेगा, क्या प्रोसीजर बता रहा है? तो 63 कह रहा है कि अगर मान लीजिए चारों में से कोई भी कोर्ट का अगर ग्रेड हाई है, मान लो इस कोर्ट का, कोर्ट नंबर फर्स्ट का जो ग्रेड है वो हायर है, हायर है, हायर इन ग्रेड, मतलब कि जो कोर्ट ए है इन चारों से ज्यूरिसडिक्शन के मामले में बड़ा है, तो ये चारों डिक्री को, ये चारों का चारों लोगों का जो डिक्री है, ये चारों डिक्री को कौन एग्जीक्यूट करेगा? तो जो हायर होगा चारों में वही कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स कि कोर्ट फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हुआ कि चारों का कोर्ट में ग्रेड को लेकर कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसका भी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इस कोर्ट का भी है और चारों का ज्यूरिसडिक्शन सेम है, कोई भी ग्रेड में ऊंचा कोर्ट नहीं है, चारों इक्वल इन रैंक है, तो फिर कौन होगा, कौन कोर्ट होगा जो डिक्री एग्जीक्यूट करेगा इस जजमेंट डेटर के खिलाफ, वो कौन सा कोर्ट होगा? तो वो कोर्ट होगा जिस कोर्ट में सबसे पहले, जिस कोर्ट में सबसे पहले डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल्ड हुआ था वही कोर्ट होगा। मान लो कि अगर ये दूसरा सिचुएशन, सिचुएशन नंबर फर्स्ट तो समझ में आ गया कि जो हायर कोर्ट होगा इन ग्रेड वही एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ग्रेड में कोई हायर नहीं है, सभी का ग्रेड, चारों कोर्ट का ग्रेड सेम है, तो फिर कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा? तो फिर जिस कोर्ट में, जिस कोर्ट में एप्लीकेशन फर्स्ट फाइल्ड हुआ है, एप्लीकेशन फर्स्टली फाइल्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, जिस कोर्ट में सबसे पहले अप्लाई किया गया था फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, वही कोर्ट इस सिचुएशन में एग्जीक्यूट करेगा उस डिक्री को। समझ में आया बात? दैट मीन्स कि चारों का डिक्री एक साथ एग्जीक्यूट होगा, तो कौन सा कोर्ट कब करेगा ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये था सेक्शन 63। फिर आते हैं, बात करते हैं सेक्शन 64 पे। सेक्शन 64 क्या कहता है देखिए, सेक्शन 64 कहता है प्राइवेट एलियनेशन आफ्टर अटैचमेंट टू बी वाइड, मतलब कि अगर मान लो ये जज, फॉर एग्जांपल 64 बहुत इजी है, 64 को समझिए इस एग्जांपल के थ्रू। इसमें क्या होता है कि मान लो कि अटैच कर लिया गया है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी को जजमेंट डेटर का बाय एग्जीक्यूटिंग डिग्री अटैच हो गया है, तो अगर उसके बाद आफ्टर अटैचमेंट प्रॉपर्टी को बेच देता है जजमेंट डेटर अपना जमीन को, प्रॉपर्टी जो है जजमेंट डेटर का, जो लैंड है वो अटैच हो चुका है, बहुत ईजी है, ये ऑलरेडी अटैच हो चुका है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, उसके बाद अगर ये जजमेंट डेटर अपने जमीन को बेच देगा तो वो सेल क्या होगा, वैलिड या वाइड? सेल क्या होगा, वाइड हो जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट अगर एलियनेशन होगा तो वो जो ट्रांसफर है वो वाइड माना जाएगा, बस इतना ही कहता है 64। उसके बाद आते हैं 65 पे, बहुत ईजी है 65 भी। 65 को देखिए, परचेजर्स का टाइटल क्या बताता है, परचेजर का टाइटल के बारे में। अगर मान लो कहता क्या, देखो परचेजर्स टाइटल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा गया डिक्री के एग्जीक्यूशन में, तो सवाल उठता है कि जजमेंट डेटर का जो प्रॉपर्टी बेचा गया है वाले एग्जीक्यूशन, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, वो सेल प्रभाव में कब से आएगा? तो कहता है कि प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द सेल बिकम एब्सोल्यूट।
जिस डेट को प्रॉपर्टी परचेजर खरीद लिया है, जिस डेट को प्रॉपर्टी बेचा गया, उसी डेट से वो प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा कि वो परचेजर का हो चुका है, परचेजर का टाइटल है। नहीं इस बात पे कोई रोक लगा सकता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रॉपर्टी परचेजर का नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, जिस डेट को बेचा गया उसी डेट को वो प्रॉपर्टी परचेजर का हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचा भी जाता है ना इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, और ये प्रॉपर्टी किसका बेचा जा रहा है, जजमेंट डेटर का। तो टाइटल परचेजर कब से माना जाएगा, जिस डेट से सेल हुआ है, बस इतना ही था। 66 तो हट ही गया है, 66 ओमिटेड है, पढ़ना ही नहीं है 66 को। उसके बाद है 67 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या कहता है 67? कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू द सेल ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। मान लो डिक्री पास हुआ फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, और उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय सेल ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में, मतलब डिक्री एग्जीक्यूट हो रहा है बाय द सेल ऑफ द लैंड। तो भैया यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में पावर दे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि रूल बनाना है आपको, तो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है उस रिस्पेक्ट में, सेल के रिस्पेक्ट में, और सेल हो रहा है लैंड का, और लैंड का सेल हो क्यों रहा है क्योंकि डिक्री एग्जीक्यूट हो रहा है, और डिक्री किस चीज़ का है, फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। तो ऐसे सेल के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप रूल्स बना सकते हो। ये 67 है। फिर 68 से 72 तो पढ़ना ही नहीं है आपको, हट गया, ओमिटेड है। 66 नहीं है, 68 से 72 भी नहीं है। उसके बाद आते हैं प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए 73 को देखते हैं। सेक्शन 73 कह रहा है प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेक्शन 73 को जब पढ़ोगे तो 63 याद रखना कि अगर जजमेंट डेटर एक और डिक्री होल्डर एक से अधिक, तो कौन सा कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करेगा इन चारों का डिक्री को? क्या सभी कोर्ट एग्जीक्यूट कर देगा इस जजमेंट डेटर के खिलाफ? नहीं, वो कौन सा कोर्ट होगा ये बता दिया सेक्शन 63। 73 बताता है कि अब ये चारों का डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगा। मीन्स टू से कि मान लो कि इसका लैंड है, अब इसका लैंड है और चारों का डिक्री एग्जीक्यूट होगा तो होगा कैसे? अब इन चारों को कितना कितना शेयर जाएगा अगर प्रॉपर्टी अटैच हुआ जजमेंट डेटर का और बेचा गया, तो फिर इन चारों डिक्री होल्डर का डिक्री का जो फ्रूट से कैसे मिलेगा? तो सिंपल है, 73 का रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या होगा? रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीन्स टू से कि ये जमीन का चार हिस्सा बनेगा, जितना जजमेंट डेटर जितना डिक्री होल्डर है उतना हिस्सा होगा इस जमीन का, और ये पोर्शन चला जाएगा डिक्री होल्डर फर्स्ट को, डिग्री होल्डर सेकंड को, डिग्री होल्डर थर्ड को, डिग्री होल्डर फोर्थ को। लेकिन अगर मान लो इस जमीन पे सरकार का भी बकाया है, सरकार दैट मीन गवर्नमेंट का भी कोई बकाया है, डेट है, तो पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा सरकार के बकाए को। सरकार का जो कर्ज है उसको पहले चुकता किया जाएगा इस लैंड से, उसके बाद जो बचेगा वो लैंड रेटेबल डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चारों डिग्री होल्डर में। तो सिचुएशन याद रखिएगा 73 और 63 में कि जजमेंट डेटर कॉमन होता है, एक ही होता है, सेम होता है, और डिग्री होल्डर एक से अधिक होता है। तो 73 63 समझ में आ गया। उसके बाद है लास्ट सेक्शन आज के सेशन का 74। कितना ज़्यादा सेक्शन कवर अप कर लिए। 74 क्या कहता है समझिएगा बात को। 74 है रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। मान लो कि डिग्री पास हो गया, अब डिक्री पास हुआ एग्जीक्यूट हो रहा है, और डिक्री के एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है, और डिक्री एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, बाय अटैचमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी या बाय सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बाधा उत्पन्न किसको कर रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग पोजेशन, पोजेशन को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है डिक्री होल्डर को या फिर परचेजर को जिसने प्रॉपर्टी परचेज किया है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल। तो बाधा उत्पन्न किसको हो रहा है, डिक्री होल्डर को या फिर परचेजर को, और उत्पन्न कौन कर रहा है बाधा, कौन ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, वो कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शन अराइज कर रहा है किसके थ्रू हो रहा है, तो जजमेंट डेटर या उसके बिहाफ पे कोई भी। तो क्या करेगा इस सिचुएशन में अगर पोजिशन लेने में रुकावट पैदा कर रहा है, तो क्या करेगा डिग्री होल्डर या परचेजर?
वो कोर्ट जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया या जिसको सेंट हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन, उस कोर्ट में अप्लाई करेगा, बताएगा कि देखिए हमको पोजीशन लेने से दिक्कत कर रहा है, पोजीशन लेने में दिक्कत कर रहा है जजमेंट डेटर या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति। कोर्ट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन पे इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करेगी तो इंक्वायरी करने के बाद अगर लगेगा कि विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जजमेंट डेटर या उसके बिहाफ में कोई व्यक्ति वाला इन ऑब्टेनिंग पोजीशन, पोजीशन प्राप्त करने में, तो फिर तुरंत कोर्ट आदेश करेगी कि जजमेंट डेटर या उस व्यक्ति को 30 दिन के लिए सिविल प्रिजन में डाल दिया जाए। कितना दिन के लिए? 30 दिन के लिए, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है इन ऑब्टेनिंग पोजीशन टू द डिक्री होल्डर या परचेजर, तो 30 दिन का सिविल प्रिजन हो जाएगा जजमेंट डेटर को या उस व्यक्ति को जो उसके बिहाफ में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। और यहां तक ही नहीं, उसके बाद दूसरा ऑर्डर होगा कोर्ट का कि जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जल्द से जल्द दिया जाए डिक्री होल्डर को, परचेजर को। समझ में आया बात? ये था 74। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण बात सेक्शन 74 से। देखो जो इंक्वायरी होता है वो इंक्वायरी होता है, अभी आपको बोले ना कि एप्लीकेशन दिया जाएगा परचेजर या डिग्री होल्डर के द्वारा और उस एप्लीकेशन पे इंक्वायरी होगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो इंक्वायरी होगा ऑर्डर 21 रूल 98 के अकॉर्डिंग, ऑर्डर 21 रूल 98 के अकॉर्डिंग इंक्वायरी होगा। उसके बाद ऑर्डर 21 रूल 103, ऑर्डर 21 रूल 103 क्या कहता है कि जो भी ऑर्डर पास होगा अंडर सेक्शन 74 वो माना जाएगा डिक्री माना जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेक्शन 74 तक का सेशन आज का ऑन द सब्जेक्ट दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। मतलब आपका दो पार्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड में पार्ट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। मतलब अप टू 1 to 74 इन डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया आपका सिविल प्रोसीजर कोड। अल्टीमेटली दोस्तों आप लोगों से बस इतना बोलूंगा, लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही है, सिविल प्रोसीजर कोड हल्का लग रहा है, तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। फॉलो नहीं किए हो ना तो कर लो जल्दी से अनअकैडमी पे, आपको लाइव क्लास का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अनलॉक कोड यूज करना दैट इज लॉ इज लाइव विदाउट एनी स्पेस। और कोई भी क्वेरी है तो कर लो इंस्टाग्राम पे फॉलो, बताओ मुझे क्या क्वेरी है आपका। लाइव क्लास अटेंड करो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास होता है ऑन द सब्जेक्ट दैट इज इंडियन पैनल कोड, बहुत अच्छा चलता है सेशन, अटेंड करके देखो मजा आता है कि नहीं, लॉ पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।